और यहां बड़ी ग्वालों की संख्या है, हम खुद ग्वाला हैं, और बगान में खेती करने वाले लोग, चाय बगान में मजदूरी करने वाले लोग, बहुत लोग पूर्वांचल से आए हुए हैं, बिहार यूपी से आए हुए हैं, झारखंड से लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या है यहां। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, सब हालचाल ठीक बा कि ना? रवा लोग भोजपुरी बोली ली तो देखा, बड़ा दूर से आए हैं, बड़ा उम्मीद के साथ आयल बानी। ये मुकेश पांडे जी अपन भाई बारे, आई पहला बार हम भाई नाते पहली बार आसाम आयल बानी, और आप लोगों से हम कुछ मांगता नहीं। मिली कि ना मिली? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिली कि ना मिली? तो मिली तो लोग कहते रह कि खेला होवे, हमनी के कहत तनी खेला होई। हाँ नू तो खेला होई तो आर पार के ना होई। यहाँ खेला में कोनो टीके वाला बा? बीजेपी बी फॉर बड़का, जे फॉर झूठा, पी फॉर पार्टी। ये बड़का झूठा पार्टी, ये भाजपा वाला लोग, ये हमने के आगे आके फरियाई। तो देख लो भाई, जैसे गाय भैंस चरावत नहीं तो भैंसवा के गला में हम लोग बांधते हैं ना घंटी। तो एगो कहानी है, चोर सब बड़ा होशियार रहले, एक चोर नहीं खूब सारा तीन चार लोग चोर रहे गांव में। वो लोग प्लानिंग किया कि चलो भैंस चोरी कर जा। तो चोर सब पहला काम का किया कि भैंसवा के गला में जो घंटी है वो निकाल लिया। अरे एगो साथी के बोला कि जाओ पश्चिम दिशा भागो। तो पूरा गांव वाला सब घंटी सुन रहा है और जा रहा है, भाग रहा है पश्चिम दिशा में। यानी गांव वाला के लगता कि भैंसिया जो है वो पश्चिम दिशा में भाग रही है, क्योंकि घंटिया बजाते बजाते चोरवा भागता। अरे एगो चोरवा का कही कि भैंसिया के पूरब दिशा में लेके भागत। अब इससे हुआ क्या कि भैंस चली गई और गांव वाला के हाथ में मिला घंटा। बुझाता रहा लोग इनके, तो घंटा का बा? नफरत की बात जो बीजेपी करते हैं, बेकार की बात जो ये लोग बीजेपी वाले लोग करते हैं, तोड़ने की बात जो बीजेपी वाले करते हैं, अफवाह फैलाने की बात ये जो बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं, ये है घंटा। अब भैंसिया का बा? भैंसिया बा शिक्षा, दवा, कमाई, रोजी रोटी, विकास, सिंचाई, खेती, अपने के मजदूरी बढ़े, ई बास ली भैंस। तो ये लोग भैंस के बात ना करके ये लोग घंटा वाला बीजेपी वाला बात करेला। तो होशियारी से ही सब महाठग बारे सर, आप लोग एकजुट होइएगा कि नहीं होइएगा? एकजुट होकर के काम कीजिएगा ना। अब यहां से देखिए, मुकेश पांडे जी नौजवान है, यहाँ बड़ी संख्या नौजवानों की, बताओ बेरोजगारी से असली दुश्मन बेरोजगारी है कि नहीं है? सब लोग गांव देहात छोड़ करके आयल बा, यहाँ काम ढूंढ ले, यहाँ काम है, अभी मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा है, कितना मिल रहा है दिहाड़ी, कितना मिला था? ये बीजेपी वाला 2016 में ही मोदी जी वादा किए थे कि नहीं किए थे कि दिहाड़ी बढ़ाएंगे चाय बगान वाले लोग के, किए थे कि नहीं किए थे? तो नहीं हुआ पूरा। बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं? गैस का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? पेट्रोल का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? डीजल का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये भाजपा वाला लोग को, जब कांग्रेस और मनमोहन जी की सरकार थी, हमनी के जब सरकार था तो थोड़ा सा दमवा बढ़ता था तो ये लोग को महंगाई डाइन नजर आती थी। अब जब 100 के पार चल गया तो भाजपा वाली के डाइन ना भौजाई लौकतिया। बताओ बढ़ा कि नहीं? 100 पार हो गया कि नहीं? तो कौन बात कर रहा है महंगाई पर?
कोनो बात कर रहा है बेरोजगारी पर, कोनो बात कर रहा है शिक्षा पर, बात कर रहा है तो महाजोत के लोग बात कर रहे हैं। महाजोत के लोग 10 पार्टियां एकजुट हुई हैं कांग्रेस के नेतृत्व में और गारंटी रखा है, गारंटी कि चाय बगान वाले लोग के दिहाड़ी जो है प्रतिदिन 365 रुपया करने का काम करेंगे। बिहार में तो चोर दरवाजा से सरकार ना आ गई, पटकनिया तो दे दिए थे, धोबी पछा है कि ना। अरे बेईमान सब जनबे कर लो, सब पोस्टल वोट कैंसिल करा करा के 12 वोट 50 वोट से ये लोग जीता, 15 से 20 सीट पे बेईमानी किया। हालांकि कोई बात ना, सबसे बड़का पार्टी आरजेडी उभर गया है। तो हम ही नहीं कहना चाहते, हम एक काम करना चाहते थे। हम बोले थे बिहार में कि जिस दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन पहला जो कैबिनेट का मीटिंग होगा, पहला मेरा अगर कलम चलेगा मुख्यमंत्री रहते हुए में, तो 10 लाख लोग को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन बेईमान सब आ गया, अब नौकरी मांगने हम सड़क पे उतरे तो लाठी डंडा बरसाया, और देखे होंगे फोटो आप लोग, विधानसभा में विधायक लोग को पुलिस भिजवा के पिटवा रहा है, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, संविधान हमारा खतरे में। तो जो काम हम वहां नहीं कर पाए, ये कांग्रेस की सरकार महाजोत की सरकार यहां असम में बनेगी तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। 5 लाख लोगों को बताओ नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोगों का मजदूरी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, 200 रुपया 2000 रुपया जो गृहिणी है, जो महिलाएं हैं, उनको जो है हम लोग महीना 2000 रुपया देने का काम करेंगे, ये गारंटी में है। और 200 पर यूनिट जो है बिजली जो है वो आप लोगों को मुफ्त हर परिवार जो देने का काम करेगी, यानी 1400 रुपया उसमें आप लोगों का बचेगा। तो ये सब काम होना है कि नहीं होना है? अभी मुकेश जी देखो ईमानदार है, नौजवान है, इनके आगे कौन लड़ रहा है भाई भाजपा का? तो सुनने में आया कि एक तो बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी है, अरे तो जोर से बोलिए बाहरी है, बाहरी चलेगा लखीमपुर का, बाहरी चलेगा। तो मुकेश जी को आप लोग जिताइए, एक तो बाहरी है हूं, और सुनने में आता है कि कोनो सिंडिकेट का राजा माफिया है, लोग कहा है, मुकेश जी ने भी कहा, हर बात को कहा है आप लोगों के, और आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है, एक एक चीज जानते हैं आप लोग, बड़ा होशियार लोग हैं, सबको नापते हैं और तोलते हैं आप लोग, है कि नहीं? आप लोग कांग्रेस का सरकार याद कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है तो लाना है कि नहीं लाना है? लाना है तो खेला करके लाना, एकदम मजबूती के साथ। ए ग्वाला भाई सब लोग, हम तोहरन ही लोग से पूछो तो नहीं, ए ग्वाला के मान सम्मान रखबो कि ना रखबो? ए गमछी बिहार और यूपी के शान है, और यहाँ के भी असम में शान है कि नहीं? एक चीज कॉमन, अगर आपनी के आशीर्वाद बाकी ना, सब लोग मिली गमछा के लाज रखबो तो पहना दी मुकेश भाई के गमछा, जगह हमें पहना दे तरी, तो आप अपने लोग के ख्याल रखे के बा, ईमान और सम्मान के बाद बा, तो पहना दी।